नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मऊ जनपद के चिड़ियाकोट थाना अंतर्गत मोहम्मदाबाद गोना चिड़ियाकोट मुख्य मार्ग पर मीरापुर के पास ग्रामीणों ने 10 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में टीचर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ग्रामीणों को शांत कराए। बताते चले, बीते 23 नवंबर 2024 को एक पीड़ित ने नामजद अभिषेक पुत्र कोमल यादव निवासी खुदासपुर सलेमपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही यह आरोप लगाया था कि जिस विद्यालय में उसकी लड़की पढ़ती है उस विद्यालय की टीचर ने दुष्कर्म के बाद आरोपी को बचाने के लिए उसकी लड़की को विद्यालय में देर तक शाम में रोक रखा था। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी अभिषेक पुत्र कोमल यादव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शिक्षिका किरण शर्मा पत्नी अजय शर्मा निवासी सुल्तानीपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मोहम्मदाबाद गोहना चिड़ियाकोट मुख्य मार्ग पर हीरापुर के पास चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ डॉक्टर अजय विक्रम सिंह व एसडीएम हेमंत कुमार चौधरी ने लगभग एक घंटे के बाद जाम को किसी तरह शांत कराया। इस बाबत डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ने बताया कि चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों की मांग पूरी करने के आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया तथा जिस विद्यालय में छात्रा पढ़ती थी उस विद्यालय को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बंद कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यूजीलैंड भारत के लिए विजय कुमार की खास रिपोर्ट। ये रोड जो जाम किया था, किस लिए लोग ग्रामीण जाम किए थे रोड? ये 22 नवंबर 2024 को एक हीरापुर की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसमें जो है वो मुकदमा पंजीकृत करते हुए और जो आरोपी था उसको हमने कल जिला कारागार मऊ भेज दिया था। परंतु स्कूल बंद कराने के लिए आज यहाँ के हीरापुर के ग्रामीणों ने जो है वो रोड को कुछ देर के लिए जाम किया। तत्काल इसकी सूचना पर मैं और थाना प्रभारी तत्काल पहुँचे तथा थाना प्रभारी रानीपुर भी पहुँचे और जो है ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराकर जाम को खुलवाया गया। सर, इसमें एक टीम अध्यापिका है, अध्यापिका लड़की का रेप हुआ, वो लड़की जाकर अध्यापिका से बोली, वो अध्यापिका उसको रोकी थी। ग्रामीणों की मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए या उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। चूंकि देखिए अभी इसमें लड़की का 164 के अंतर्गत बयान नहीं हुआ है और 164 आज 164 का बयान जो है माननीय न्यायालय के समक्ष होना है, तो उसमें जो भी बयान के आधार पर जो भी अन्य आरोपी आएंगे शाम उसमें प्रकाश में उनको हम लाकर और उन पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आज हमको जो है वो पीड़िता का जो है 164 का बयान कराने हेतु आज न्यायालय जाना है और उसी के संदर्भ में हमने सारे ग्रामीणों को ये सारी चीज़ें बताकर और उनको शांत कराया और अब इस समय जाम खुल गया है। और सर, पीड़िता की कुछ हालत ख़राब है, उसके लिए सर इलाज की कोई इलाज होगा? इलाज का कोई ऐसा वो नहीं है, चूँकि मेडिकल हमने हो चुका है। बाकी आज 164 के बयान कराया, जो भी मेडिकल संबंधी चिकित्सा संबंधी जो भी उनकी मांग है वो उनको अच्छी इसमें हॉस्पिटल में जो उनको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा स्कूल पीछे से वो लोग आए, लड़का एक था वही आया, उसका मुंह दबाकर चाकू लगाकर अंदर ले गया था, उसके साथ मुंह हाथ बांध कर गलत काम किया था, उसके मुंह में कपड़ा डालकर दो तीन बार मार दिया था। वो आपकी लड़की थी, क्या नाम था उसका? रोड की उसकी इसलिए रोड जाम किया, आप लोग मांग क्या है? क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, क्यों रोड जाम किया आपको? आपके बच्ची की हालत इस समय कैसी है? खराब चल रही है, घरवा देख ला, बेहोश पड़ी है, जाकर देख लीजिए, उसको दवा लेकर आए, कल नहीं ठीक है। अच्छा, जो आरोपी है, आरोपी गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? अभी हुआ है, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अभी जाएगी स्कूल, मांगे सजा देना चाहिए सब लोग। आरोपी आरोपी गिरफ्तार है, बस वही कलर मैडम नहीं गिरफ्तार है, ना स्कूल बंद है, जिस स्कूल का है तो स्कूल में अभी जो कांड हो गया स्कूल नहीं बंद है, बस वो कलर, बस मैडम का भी नहीं गिरफ्तारी हुआ है, न स्कूल बंद है, स्कूल में आखिर कांड हुआ है ना? मैडम मैडम अभी नहीं गिरफ्तार हुआ है, मैडम का क्या आरोप
मैडम पे क्या आरोप है आप लोग? मैडम मैडम का आरोप है कि मैडम ही मतलब काम करवाई है। मैडम सुबह का जो काम हुआ है जो लड़की के साथ यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।